तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। आज हम लोग निकल चुके हैं अपना ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए, और YouTube के लिए हम लोग वीडियो भी शूट करते हैं। उसका सेटअप हम लोगों का है, उस सेटअप पे हम लोग जाने वाले थे लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेटअप थोड़ा दूर है। इसके लिए अभी आप लोग देख सकते हैं, नज़ारा यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, हरियाली हरियाली है। और ये देखो कौन है, यही है हमारा कैमरामैन। बहुत दिनों से ब्लॉग वीडियो नहीं बना था, सोचा कि आज ब्लॉग वीडियो बना दूं। आपको दिखाने वाले हैं अच्छे अच्छे जगहों का वीडियो। जा रहे हैं हम लोग ब्लॉग वीडियो बनाने, वो पीछे देखो कौन आ रहा है, पार्टनर हमारा। हमारा जो सेटअप लगता है यूट्यूब का, वो सेटअप के पास में मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। मेरा यूट्यूब सेटअप पे आप लोग देखिएगा, जा रहा हूँ वहाँ पे। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, हरियाली ही हरियाली है। ये छोटा सा नहर है, इसमें मछली कम रहती है और इसमें स्नेक ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए कैसे डार्क, इसका पानी डार्क जैसा दिखता है, पूरा डार्क ही डार्क है। हम लोग गांव से थोड़ा बाहर आए हैं शूटिंग करने के लिए, जा रहे थे अपने सेटअप पे। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो हमारा सेटअप लगता है, पर वहां पे हम लोग अभी जा नहीं पाए क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो सोच रहे हैं कि इधर ही ब्लॉग भी वीडियो शूटिंग कर लें, और जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक है, आप लोग वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, चैनल का नाम है ब्लॉग बाय अमृत, और दूसरा चैनल है जो क्रिएटर के अमृत के नाम से है। अगर सर्च में नहीं आए तो उसका लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य और नज़ारा है जो कि आप देख सकते हैं। देखिए ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है पूरे जंगल में। अभी यहाँ 7 बजे के बाद से कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बाघों का इलाका है। यहाँ पे 7 बजे के बाद जानवर निकलने लगते हैं। देखिए कैसा नज़ारा है। अभी ये बरसात नहीं है फिर भी पानी है इसमें। जब बरसात चालू होगा तो पानी पूरा भर जाएगा, पूरा रोड के ऊपर से पानी निकलता है। अरे ये देखिए कैमरामैन को थक गया है चलते चलते, अब ये चल नहीं सकता ऐसा लगता है। कि फिर भी कोशिश करते हैं और आगे तक जाएंगे, दिखाएंगे अच्छा अच्छा सीन दिखाएंगे। देखिए दृश्य ये नज़ारा, ये भगवान का मंदिर। ये स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है जो कि गुजरात में है, हम लोग गुजरात में ही हैं। तो सोचा कि एक ब्लॉग वीडियो भी बना लें आप लोगों के बीच दिखाने के लिए। मैं अपना जितना भी वीडियो बनाता हूँ सबका शूटिंग करने वाला ही है कैमरामैन, देख लो अच्छी तरह से। और आज शूटिंग करने का था लेकिन आज शूटिंग हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम है नहीं। तो सोचा कि टाइम नहीं है तो ब्लॉग वीडियो ही बना ले, दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितना नज़ारा अच्छा, खूबसूरत नज़ारा। वो नज़ारा यही है, देखिए ये पानी के जब बरसात चालू होता है तो ये पूरा पानी से भर जाता है। यहाँ तक का ये पूरा जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये पूरा पानी से भर जाता है। और इधर देखिए आपको दिखाते हैं, मंदिर है यहाँ पे और पास में वहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा होगा आपको। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग तो है ही पर एक ये स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। देखिए इसका नाम पढ़िए, निष्ठा विद्या मंदिर, निष्ठा विद्या मंदिर शायद आपको दिख रहा होगा। शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, निष्ठा विद्या मंदिर गुजराती भाषा में लिखा गया है। ये देखिए कैमरा का कमाल, ये DSLR के जैसा काम कर रहा है। ये देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सब, और इधर सब खुले हैं। देखिए हमारे कैमरामैन तो मोबाइल में ही लगे हुए हैं। ये दृश्य देखिए, अभी सूर्य अस्त होने को है और देखो ये पंछी कितना अच्छा लग रही है, 1 2 3 4 इधर गई, हो रही। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा एक बार टाटा बाय कर दो अपने दोस्तों को। बस यहीं तक हमारा वीडियो रहा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को कमेंट करके बताएं और एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।